अस्सलाम वालेकुम, आज आपसे मैं तंदूरी चिकन हॉट डॉग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें तंदूरी चिकन है और स्वान चटनी की जो चटखारेदार मजा और बिल्कुल एक जो तीखापन सा फ्लेवर होता है ना वो है, और साथ ही हॉट गार्लिक मायो सॉस भी है। तो चलिए इसको बनाते हैं, लेकिन बनाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चिकन तंदूरी हॉट डॉग बनाने के लिए यहाँ मैंने 300 ग्राम चिकन ले लिया, बोनलेस लिया है, और उसके देखिए छोटे छोटे से इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। कुछ पीसेस बड़े भी रह गए तो इसको हम बाद में श्रेड कर लेंगे। ये देखिए, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स, 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून तंदूरी मसाला पाउडर। स्पून इसमें और डाल रही हूँ, तो इस तरह से 2 टीस्पून भरकर हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून भरकर दही ले रही हूँ, ये मैं गाढ़ा वाला दही है। इसके बाद हम इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ 2 चुटकी रेड कलर और 1 टेबल स्पून भरकर कसूरी मेथी, ये भी डाल देंगे। इसके बाद इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद एक फॉइल पेपर का टुकड़ा मैं इसमें रख रही हूँ, उसके बाद दहकते हुए कोयले के 2 टुकड़े रख रही हूँ उसके ऊपर। इसके बाद इसके ऊपर तेल के 2 ड्रॉप्स हम टपकाएंगे और ढक्कन फौरन बंद कर देंगे। इस दौरान चिकन की मैरिनेशन भी अच्छी तरह से हो जाएगी, केले की खुशबू जो है वो भी इसमें अच्छी तरह से बस जाएगी, तो इसको हम आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। तो ये देखिए, चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका और इसके ऊपर से कोयले हटा लेंगे, और अब अगला स्टेप देखते हैं। पैन को मैंने गरम कर लिया और उसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भरकर तेल, और उसके बाद ये जो मैरिनेटेड चिकन था वो चला जाएगा इसके अंदर। मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसको चम्मच चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए, इसको भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी भी छूटने लगा है, तो और अब इसकी फ्लेम को मैं लो कर रही हूँ और इसका ढक्कन लगाकर हम इसका पानी सूखने तक पका लेंगे। इस दौरान ये अच्छी तरह गल भी जाएगा। इसको बीच में एक बार हम चला के चेक भी कर लेते हैं कि ये कंडीशन में है, तो ढककर पानी सूखने तक हम और पका लेंगे। चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। खुशबू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सी आने लगी है, और ये मसाला जो है इसके ऊपर ये अच्छी तरह से लग चुका है, और ये जो पानी है ये सारा सूख चुका है। देखिए, चिकन भी गल चुकी है। अब इसकी फ्लेम को मैं ऑफ कर रही हूँ और इसको ठंडा कर लेते हैं, इसके बाद का अगला स्टेप देखते हैं। ये देखिए, चिकन ठंडी हो चुकी है और अब इसको हम श्रेड कर लेंगे। मोटा मोटा सा ही करना है, बहुत बारीक नहीं करना है। तो ये देखिए, चिकन को हमने मोटा मोटा सा श्रेड कर लिया है, तो अब इसको साइड में रखते हैं और अगला स्टेप देख लेते हैं। हॉट डॉग को असेंबल करने से पहले मैं आपको चीजें दिखा देती हूँ जो मैंने ली है। तो ये 1 प्याली मायोनीज लिया, ये हॉट गार्लिक मायो सॉस है, और ये आप मेरे शॉर्ट्स पे देख सकते हैं, मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है। और ये है शेजवान सॉस, ये भी 1 प्याली ले लिया है मैंने। एक छोटी मीडियम साइज की प्याज लिया था, इसको इस तरह से रिंग्स में काट लिया है, और शिमला मिर्च है 1, इसको भी इस तरह से लंबी लंबी काट लिया है। तो ये हो गई, अब इसका आगे का काम देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने हॉट डॉग बन लिया था, और बेकरीज में या इस जहाँ पे बेकरीज की सामान वगैरह मिलते हैं वहाँ आपको बहुत आसानी से ये मिल जाएगी। तो ये 1 पैकेट में 2 होती है, ये देखिए इस तरह से। तो ये 2 थी। 300 ग्राम चिकन के लिए मैंने 6 हॉट डॉग बंस मंगवाए थे, उसके लिए काफी हो जाएगी। ठीक है, इसको इस तरह से काट लेंगे, अच्छा सा डीप सा कट लगाना है आपको। इसको इस तरह से हल्का सा फैला लेना है, ये देखिए, ताकि अंदर हमको जो फिल करना है चिकन वगैरह उसकी जगह हो। सबसे पहले ये जो हमने हॉट गार्लिक मायो सॉस है ये पहले लगा लेंगे, चम्मच से इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद शेजवान सॉस का 1 टेबल स्पून डालकर, या जितनी आपको पसंद हो उस हिसाब से, इसको भी अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर लेंगे। ये जो चिकन हमने तैयार की थी ये अच्छी तरह से फिल कर देना है, ये देखिए। इसके बाद मेयोनीज थोड़ा सा और डालेंगे हम, इससे ये होता है कि टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको कम पसंद हो तो आप कम डालिए। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज डालेंगे, इसी जो शिमला मिर्च हमने कटिंग करके रखी थी वो डाल देंगे। इसी तरह से हम दूसरे बन को भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, तंदूरी चिकन हॉट डॉग बनके हमारा सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है।